स्नेह और विश्वास का मधुर पर्व राखी 7 अगस्त 2017 को है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें, कैसे मनाएं इस पर्व को। इस दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके सुंदर उज्जवल और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर को साफ करके चावल के आटे का चौक फूरकर मिट्टी के छोटे से घड़े की स्थापना करें। चावल, कच्चे सूत का कपड़ा, सरसों, चोली को एक साथ मिलाएं, फिर पूजा की थाली तैयार कर दीप जलाएं और उसमें मिठाई रखें। इसके बाद भाई को पीठे पर बिठाएं। पीढ़ा यदि आम लकड़ी का हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई को पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा की ओर बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में, जो कि इस बार भद्रा और ग्रहण की वजह से 11:05 से लेकर 1:47 तक है, भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। जब रक्षा सूत्र बांधा जाए तब हाथ में अक्षत रखकर मुट्ठी बांध कर रखें। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र बांधे जाते समय निम्न मंत्र का जाप करने से अधिक फल मिलता है। मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधने के बाद आरती उतारे, फिर भाई को मिठाई खिलाए। बहन यदि बड़ी हो तो छोटे भाई को आशीर्वाद दे और यदि छोटी हो तो भी बड़े भाई को प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोग सोफे व कुर्सी पर बैठकर राखी बंधवा लेते हैं, ये उचित नहीं है। राखी बंधवाते समय पीढ़े पर ही बैठें, इससे शुद्धिकरण होता है और अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति चुंबकीय रेखाओं से मुक्त हो जाता है। पीढ़े पर सिर्फ भाई को नहीं बल्कि बहन को भी बैठना चाहिए, यही विधि सर्वोत्तम है।